हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हिसार दौरे पर कृषि कानून के विरोध के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला बोला। इस दौरान हमले के डीएसपी समेत 20 जवान जख्मी हो गए। इसमें 5 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की 5 गाड़ियां तोड़ डाली। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां बड़ी संख्या में उपद्रवी विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी पर जमकर हमला बोला और पथराव किया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी समेत कुल 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने जिंदल ओवरब्रिज के नीचे डीएसपी अभिनव लोहान पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने सबसे पहले नहर पुल पर लगे बैरिकेड को तोड़ा और उन्हें नहर में फेंक दिया। इसके बाद उपद्रवियों ने बैरिकेड को भी तोड़ा और वहां डीएसपी अभिमन्यु लोहान के साथ जमकर हाथापाई की। उपद्रवियों इसके साथ चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल परिसर में घुसने लगे और वहां लगाए गए बैरिकेड को हटा दिए। इस जगह पर उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के पांव पर भी चोट लग गई। इन उपद्रवियों ने पुलिस के 5 वाहनों को भी तोड़ डाला। पुलिस के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि सीएम के अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम के समापन की सूचना के बावजूद उपद्रवी अस्पताल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहां संक्रमितों का इलाज भी चल रहा था। आपको बता दें, परिधि में घुसने की कोशिश की, जहां कोरोना संक्रमितों के उपचार के कार्य आज ही आरंभ हुआ। इनमें से कई उपद्रवी शराब पिए हुए थे और उनकी मंशा बड़े स्तर की हिंसा करना था। प्रवक्ता ने बताया कि एक तरफ प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के लिए अस्पताल में निर्माण कर रही है, जबकि उपद्रवी ऐसे अस्पतालों में तोड़फोड़ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।